A mass M is supported by a massless string wound around a uniform hollow cylinder of mass small m and radius capital R. If the string does not slip on cylinder, with what acceleration will the mass fall on release? So let's see the options. So ये question था हमारे पास जिसमें हमें इस mass का acceleration निकालना है. मैं पहले ही बता चुका हूँ कि general formula होता है g sin theta upon 1 plus k square by r square. और इस केस में क्योंकि ये वर्टिकली गिर रहा है, ये नॉर्मली को जो फॉर्मूला होता है इंक्लाइंड प्लेन के लिए होता है और रोलिंग बॉडी जिसमें एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है गिरने की डायरेक्शन, हमें वो थीटा लेना है. तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन विथ हॉरिजॉन्टल. तो अभी आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ब्लॉक की ऐसी है और हॉरिजॉन्टल ऐसा है, तो 90 डिग्री बना रहा है. उस लिहाज से g अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज द फाइनल एक्सप्रेशन. अब ये बॉडी कौन सी है सर? हॉलो सिलेंडर. हॉलो सिलेंडर रिंग होता है. तो अब सो r स्क्वायर इज गोइंग टू बी k स्क्वायर, हेंस द आंसर इज g बाय 2 एंड द करेक्ट आंसर इज बी.